नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। भारत इस साल G20 देशों की मेजबानी कर रहा है। इस मौके पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक पहली बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत आने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस मौके पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चर्चा में रहे मुक्त व्यापार समझौते पर अंतिम मुहर लग सकती है। हालांकि अब इस पर बाधा के बादल मंडरा रहे हैं और इसका कारण ऋषि सुनक की पत्नी और इंफोसिस की फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति को हो सकती है। अक्षता के पास इंफोसिस की हिस्सेदारी है। इसका मूल्य 50 करोड़ पाउंड के बराबर है, जो अक्षता मूर्ति को ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बनाता है। उनकी अमीरी भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते की रुकावट बन सकती है। भारत के वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का पहला आपदा अस्पताल तैयार किया है, जो पूरी तरह स्वदेशी है। कहीं भी आपदा होने पर इस अस्पताल को महज 8 मिनट में तैयार कर मरीजों का इलाज शुरू किया जा सकता है। 720 किलो के 36 बॉक्स में इसका सारा सामान आ जाता है, जिसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने पर भी बॉक्स नहीं टूटते हैं और न ही पानी का असर होता है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीष्म प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक भीष्म टास्क फोर्स का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज यानी कि सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में बयान जारी किया है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि रोजगार मेला कार्यक्रम से गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती कर रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव के विभाग की तरफ से यह तय किया गया है कि अब राज्य में पीजी की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रा जिलों के सदर अस्पताल एवं चिकित्सा संस्थानों में मरीजों का इलाज करेंगे। पहले मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर अब तक सिर्फ अपने अपने मेडिकल अस्पताल में ही पढ़ाई के साथ साथ मरीजों के इलाज के गुर सीख रहे थे, लेकिन अब उनकी पढ़ाई को और अधिक मजबूत करने के लिए विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया है। रेल मंत्रालय ने जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी ट्रेनों की पहचान की जाए जिनमें रिजर्व स्लीपर कोचों में कम यात्री सवारी करते हैं, जिससे इन कोचों को अनरिजर्व कोचों में फिर बाद में उन्हें जनरल कोचों में बदला जा सके। इससे जनरल डिब्बों में भीड़ कम की जा सकेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि 21 अगस्त को इंटरनल कम्युनिकेशन किया गया, जिसके मुताबिक रेलवे बोर्ड ने जनरल स्लीपर क्लास कोचों को GS में बदलने के निर्देश जारी किए हैं, खासतौर पर उन ट्रेनों में जिनमें दिन के समय बहुत कम सीटें होती है या फिर जहां मांग बहुत कम है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नामकरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिव शक्ति पॉइंट के रूप में किए जाने की तारीफ इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले को किसी भी तरह विवादित बनाने की जरूरत नहीं है। भारतीय संस्कृति के आधार पर इस साइट का नामकरण करना हमारा परमाधिकार है। इसरो चीफ ने केंद्र के विजयम में स्थित पौर्णामिकावु मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने अपनी आस्था के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग अलग है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार गंगा के बढ़ते जलस्तर का मुआयना करने पटना के मरीन ड्राइव पहुंचे थे, जहां से सीएम नीतीश कुमार के बिना सीट बेल्ट लगाए एक वीडियो सामने आया है। ऐसे वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना सीट बेल्ट लगाए अपनी गाड़ी से राजधानी पटना में भ्रमण कर रहे हैं। इस पर विपक्षी दलों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर यही गलती आम आदमी ने किया होता तो अब तक हजारों का चालान कट गया था। आम आदमी अगर आप पटना में ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए कैमरे की नजर में जितनी बार आएंगे उतनी बार चालान कटता है, लेकिन यहां तो मामला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है, तो पटना पुलिस की हिम्मत है तो चालान काट के दिखाएं। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चांद पर उतरने के बाद खुद के इसरो से जुड़े होने और चंद्रयान 3 के डिजाइन तैयार करने में अहम भूमिका निभाने का दावा करने वाले सूरत निवासी मितुल त्रिवेदी अब गायब है। कथित तौर पर त्रिवेदी के आवास पर ताला लगा हुआ है और उनका फोन भी बंद है, जिससे उनके दावों को लेकर शंका और बढ़ गई है। सुर्खियां बटोरने वाले मितुल त्रिवेदी के दावों की जांच अब सूरत पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि हालांकि त्रिवेदी के दावे से नुकसान कुछ नहीं है, वे उनके बढ़ा चढ़ाकर बयान देने की प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यायिक प्रक्रिया में न तो मानवीय बुद्धि और न ही मानवीय तत्व का स्थान ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष निकाय में ChatGPT कानूनी या तथ्यात्मक मुद्दों के निर्णय का आधार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि AI से उत्पन्न डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता अभी भी अस्पष्ट है और अधिक से अधिक ऐसे उपकरण का उपयोग प्रारंभिक समझ या प्रारंभिक शोध के लिए किया जा सकता है। 1947 में नहीं बल्कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के बाद 1977 में देश को आजादी मिली थी। बिहार भाजपा चीफ सम्राट चौधरी ने यह विवादित बयान दिया है। बिहार भाजपा चीफ ने सनातन संस्कृति चेतना समिति के एक कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि देश को 1947 में आजादी मिली, बल्कि देश को 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के बाद सही मायनों में आजादी मिली है।
आंखों की कम रोशनी या न दिखने की समस्या से ग्रसित मरीजों के लिए सेंसर युक्त छड़ी सहारा बनेगी। इसमें उच्च गुणवत्ता का सेंसर और कैमरा लगा होगा। जैसे ही रास्ते में दीवार अथवा किसी तरह का ठोकर होगा, छड़ी में कंपन और आवाज आने लगेगी, इससे वे संभल जाएंगे। यह कहना है कि ऑप्टोमेट्री सोसाइटी ऑफ यूपी के शैक्षिक शोध अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह का, वे KGMU में आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि इस छड़ी को अब क्षेत्रीय नेत्र संस्थान सीतापुर में भी बनाने की तैयारी है। ऐसे में अभी तक जो छड़ी 8 से 10 हजार की है, उसकी कीमत घटकर 5 हजार से भी कम हो जाएगी। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में मेंस जेवलिन थ्रो में ऐतिहासिक स्वर्ण जीतने के लिए एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई दी है और उन्हें प्रतिभाशाली बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है, बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। सरकार ने सभी किस्म के बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, यानी अब देश से बासमती चावल को निर्यात नहीं किया जा सकेगा। हालांकि ये बैन उस चावल पर लगाया गया है जिनके दाम $1200 प्रति टन से कम है, और साथ ही ये बैन अस्थायी रूप से लगाया गया है। ये फैसला 16 अक्टूबर 2023 तक के लिए है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि नॉन बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के फैसले के बाद दुनिया में चावल की कीमतें 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कोटा के कोचिंग सेंटरों पर 2 महीने तक के लिए टेस्ट और परीक्षाएं आयोजित करने पर बैन लगा दिया गया है। छात्रों को मेंटल सपोर्ट और सिक्योरिटी देने के लिए ये कदम उठाया गया है। रविवार को 2 और छात्रों की आत्महत्या करने के बाद ये फैसला लिया गया है। इस साल अब तक 23 छात्रों की आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं या रेजिडेंशियल स्टूडेंट हैं, उनको मेंटल सपोर्ट और सिक्योरिटी देने के लिए कोटा के सभी कोचिंग संस्थानों में अगले 2 महीनों के लिए टेस्ट एग्जाम पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण मास के अंतिम सोमवारी पर लाखों आस्थावानों की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन किए। चलित भस्म आरती के तहत दर्शन का क्रम रात्रि 2:30 बजे मंदिर के पट खुलते ही शुरू हुआ, जिसके बाद पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से गुंजायमान हो गया। सोमवार को छोड़कर मंदिर में प्रतिदिन बाबा महाकाल के गर्भगृह के पट अगले सुबह 3 बजे खुलते हैं, लेकिन आज बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देने के लिए आधे घंटे पहले जागे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय में 1700 से अधिक गुफाओं की खोज करने को लेकर वहां के निवासी के ब्रियान डी खरप्रान और उनकी टीम को रविवार को तारीफ की, जिन्होंने अपनी टीम के साथ राज्य में 1700 से अधिक गुफाओं की खोज की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में ये बात कही। उन पीएम मोदी ने लोगों को मेघालय की गुफाओं का पता लगाने की भी सलाह दी, जिनमें से कुछ देश की सबसे लंबी और गहरी है। भारतीय मूल के अधिकारी दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शीर्ष पदों पर काबिज है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने भारतीय मूल के 21 मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सूची जारी की है, जिसमें गूगल से लेकर यूट्यूब तक बड़ी कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर जारी सूची को देखकर टेस्ला के CEO एलन मस्क भी गदगद हो गए हैं। इन बड़ी कंपनियों में भारतीयों को शीर्ष पदों पर काबिज देकर उन्होंने अपने अकाउंट पर कहा कि यह प्रभावशाली है। बता दें, कुछ दिन पहले जाचरी किरखोन के अपने पद से हटने के बाद भारतीय मूल के वैभव तनीजा टेस्ला के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एम्स का क्रेडिट लेने को लेकर मची होड़ पर बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि दरभंगा एम्स को राजनीति से अलग रखकर देखने की जरूरत है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन दरभंगा एम्स बनने दीजिए। मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि आवंटित जगह पर एम्स का निर्माण होने से दरभंगा का विकास उस क्षेत्र में भी फैल जाएगा, शहर का लुक बदल जाएगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी 2500 बेड का नया अस्पताल बन जाएगा। अब तक कई ऐसे अध्ययन हुए हैं जिसमें दावा किया गया है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। पहले के अध्ययन के मुताबिक नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को पेट संबंधी समस्याएं, कमर संबंधी समस्याएं एवं लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियों का जोखिम ज्यादा रहता है। अब एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि जो लोग रात की शिफ्ट में काम करते हैं या देर रात तक काम करते हैं, उन्हें अधेर उम्र में यदास्थ से संबंधित बीमारियां हो सकती है। यानी नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों की मेमोरी पावर बहुत कम हो जाती है। किन्नरों को भी प्रदेश सरकार उद्यमी बनने के मौका दे रहा है। इस बाबत राज्य सरकार की तरफ से ट्रांसजेंडरों को उद्योग करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 101 तरह के रोजगार स्थापित करने का प्रावधान है, जिसमें से ट्रांसजेंडर किसी एक रोजगार को चुन सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए इंटर पास होना जरूरी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि G20 का उद्देश्य सफल नहीं होगा जब तक अविकसित देशों की समस्याओं का हल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ग्लोबल साउथ देशों की समस्याओं के महत्व पर बल
देते हुए G20 के मुख्य उद्देश्य की महत्वपूर्णता पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने बताया कि G20 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और विकास है, लेकिन कम विकसित देशों की चिंताओं के बिना यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जयशंकर ने बताया कि ग्लोबल साउथ देश उपभोक्ता बनकर रह गए हैं और इसका कारण अनियंत्रित विनिर्माण के लिए संसाधनों की आपूर्ति की अधिकता है। इसमें उन्हें आर्थिक परिवर्तन का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को देश भर में जश्न मनाया गया। इस बीच कोलकाता की एक दुर्गा पूजा समिति ने फैसला लिया है कि उसके पंडाल का डिजाइन लैंडर विक्रम पर आधारित होगा, जो 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। एक अन्य पूजा समिति अपने पंडाल की थीम बुराइयों पर बनाएगी रैंगिंग के प्रति और देशी बदमाशी के प्रति जीरो टॉलरेंस का संदेश दे। उत्तरी कोलकाता के सीताराम घोष स्ट्रीट पर पल्लट युवक वृंदा क्लब ने विक्रम की एक आदमकद प्रतिकृति बनाने पर काम शुरू कर दिया है, जो इसके पंडाल के रूप में काम करेगा। भारत हाल ही के दिनों में चांद पर फतह हासिल कर चुका है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि भारत शुक्र ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एस सोमनाथ ने कहा, भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। हमें और अधिक निवेश की आवश्यकता है और अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास होना चाहिए। इससे पूरे देश का विकास होना चाहिए। हमारा मिशन है, हम उस विजन को पूरा करने के लिए तैयार है जो पीएम मोदी ने हमें दिया था। इस वर्ष अप्रैल में अमेजन के 6000 से अधिक मूल निवासी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में इकट्ठा हुए। उनकी मांग थी कि देश के नए राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा उर्फ लुला अमेजन वनों और मूल निवासियों की भूमि को बचाने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाएं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रपति लुला के कार्यकाल के पहले 6 महीनों में ही वनों की कटाई में 33% की कमी आई थी, मगर मूल निवासियों के कई नेता चाहते हैं कि लुला और व्यापक कदम उठाएं ताकि वनों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगे। वो चाहते हैं कि सरकार उनके वनों और भूमि की रक्षा करने के लिए उनके साथ कर काम करें। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने रविवार को दावा किया कि देश में पक्षियों की प्रजातियां कम हो गई हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, कुछ दिन पहले जारी किए गए परिश्रमा पूर्वक तैयार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स की दूसरी पुनरावृत्ति हमें कुछ चिंताजनक रुझानों की ओर इशारा करती है। मूल्यांकन की गई 942 पक्षी प्रजातियों में से 204 प्रजातियां यानी लगभग 1/4 पिछले 30 वर्षों में घट गई है। बता दें, कई प्रजातियां जो तेजी से घट रही हैं उनके संरक्षित क्षेत्रों के बाहर आवासों का एक बड़ी श्रृंखला है, विशेष रूप से घास के मैदानों, नदियों और तटों जैसे आवासों में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच तथा बुनियादी ढांचा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेश शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, मंत्री, मुख्य सचिव, सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्रीय गृह सचिव सहित केंद्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में पंडित नेहरू और अन्य कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के योगदान को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग चल रही है। रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, नेहरू वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते थे। इसरो के निर्माण में उनके योगदान को जो नहीं पचा पा रहे हैं वो TIFR के शिलान्यास के दिन का उनका भाषण सुन ले। रमेश ने कार्यक्रम में नेहरू के भाषण का एक वीडियो भी साझा किया। रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि वह बादलों से रडार को बचाने वाले विज्ञान के ज्ञाता की तरह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, बल्कि बड़े बड़े फैसले। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंड चांद से हर रोज नए अपडेट भेज रहा है। इसरो की सफलता पर हर भारतीय गौरवान्वित है। पीएम मोदी ने भी इसकी सफल लैंडिंग के बाद लैंडिंग पॉइंट का शिव शक्ति पॉइंट घोषित किया है। अब इसी को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज की अटपटी मांग सामने आई है। उन्होंने कहा है कि संसद से चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित करना चाहिए और चंद्रयान 3 के उतरने के स्थान जिसे शिव शक्ति पॉइंट से जाना जाता है उसे इस राष्ट्र की राजधानी बनानी चाहिए। हंगरी में चल रहे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारत की पारुल चौधरी 11वें स्थान पर रही। उन्होंने इसमें 9 घंटा 15 मिनट 31 सेकंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ पारुल ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड हासिल कर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। स्टीपल चेज में ब्रुनेई एथलीट विनफ्रेड मुटिले यावी ने 8 घंटा 54 मिनट 29 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं केन्या की ब्रिटाइस चेपकोच ने 8 घंटा 58 मिनट 98 सेकंड के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ रजत पदक जीता। और वहीं केन्या की ब्रिटाइस चेपकोच ने 8 घंटा 58 मिनट 98 सेकंड के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ रजत पदक जीता। और केन्या की एक अन्य एथलीट फेथ चेरोटिच ने 9 घंटा 69 सेकंड का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल करते हुए कांस्य पदक जीता।
मेटा ओनरशिप कंपनी फेसबुक का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है। फेसबुक पर पिछले काफी महीनों से एक नया स्कैम चल रहा है जिसे लुक हू जस्ट हाई के नाम से जाना जा रहा है। इसका हिंदी मतलब है कि देखो अभी कृषि मृत्यु हुई है। इसे एक तरफ की फिशिंग स्कैम कहा जा सकता है जो लिंक के जरिए यूजर्स को अपना शिकार बनाता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद जब आप अपने फेसबुक की लॉगिन डिटेल्स एंटर करते हैं तो हैकर्स द्वारा अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। इसके बाद आप उस अकाउंट को चाहकर भी हैक नहीं कर पाते हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, नुनू गोलू कुमार, सदुल्ला पलवी, एच के शर्मा, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, अंशुप्रिया, मोहम्मद नौशद आलम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नीरज चोपड़ा के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।